हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। को जो इंस्टेंट फेस पे ग्लो आता हो, किसी पार्टी में यदि जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो तो आप ये कर सकते हैं। एलोवेरा को, एलोवेरा और कोकोनट वाला आपके पास होगा तो एलोवेरा का अच्छे से तरह से मैश लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्का 5-6 बूंद कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए और फेस पे अच्छी तरह से मल के लगा लीजिए। और थोड़ी देर के बाद उसे ना क्लॉथ में गर्म पानी, हल्का गर्म पानी से भिगो कर क्लॉथ को अच्छे से फेस को धो लीजिए। बहुत अच्छा चमक आता है तो इंस्टेंट आपका उससे ग्लो बढ़ेगा और आपको कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप यदि हाउस वाइफ है तो कर सकते हैं आराम से। बच्चे स्कूल चले, सुबह को चले जाते होंगे, दिन में खाना वाना बना के आप स्नान करते समय 5 मिनट लगा लीजिए। और बनाना जो पील्स होता है ना, बनाना का छिलका, उसका अंदर वाला का पार्ट भी आप लगा सकते हैं। इस तरह करके मसाज कर लीजिए, वो भी अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट होता है, टाइट करता है इसकी स्किन। पपाया हो गया, पपाया का मसाज कीजिए, टमाटर का मसाज कीजिए। और आलू का मसाज के लिए, आलू बहुत अच्छा होता है स्किन वाइटनिंग के लिए, तो उसका यूज कीजिए। और नेचुरल का जो घर में आइटम होता है ना फ्रेंड, उसे तो आप भी ट्राई करते रहना। कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, एक दूसरे से आप आराम से मिला सकते हैं। सब्जी, 2-3 सब्जी मिला करके आप पेस्ट बना लीजिए, चावल का और दही का पेस्ट बना के लगा लीजिए, आटे का और आप दूध का मिला के लगा सकते हैं, हनी डाल सकते हैं उसमें। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है स्किन के लिए, ये सब बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है पल्सेस का, तो पल्सेस का किसी के दही मिलाइए, दूध मिलाइए, केला मिलाइए, हनी मिलाइए। एंड इवन आप कॉफ़ी, कॉफ़ी पाउडर बहुत अच्छा होता है स्किन वाइटनिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए। तो ये सब जो होता है ना फ्रेंड, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। आप यदि गोरा बनना चाहते हैं तो ये सब कंटिन्यू लगाते रहिए और देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा।